नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीपल गुरु में और मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कश्यप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे इस प्रकार के सीलिंग फैन का ये जो वायरिंग होता है, इसको बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी मेहनत के मात्र 15 रुपए के 6 mm के फैन फास्टनर की मदद से बड़े आसानी से निकालने का तरीका इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अक्सर इस बैरिंग को निकालते समय इस बैरिंग का पल्ला ये टूट जाता है और हमें काफी नुकसान होता है। इस बैरिंग को इस वीडियो के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम करते हैं इस सीलिंग फैन के इस वायरिंग को निकालने का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। इस प्रकार के पुराने से पुराने सीलिंग फैन के इस वायरिंग को बड़े आसानी से बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी मेहनत के निकालने के लिए दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार के एक फैन फास्टनर की। ये मार्केट में हुक फास्टनर और फैन फास्टनर के नाम से जाना जाता है और ये मार्केट में मात्र 15 रुपए की लागत से किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये 6 mm का हुक फास्टनर या फैन फास्टनर ले लेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के एक टेक की, जिसके मदद से हम इस सीलिंग फैन के बैरिंग को निकालेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के दो रिंच की। हमने 21 और 23 नंबर के दो रिंच ले रखे हैं। आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी साइज का दो रिंच ले सकते हैं। और हमको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार के 10 और 11 नंबर के एक रिंच की और एक प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस सीलिंग फैन के बैरिंग को निकालने के लिए सबसे पहले इस 6 mm के हुक फास्टनर का नीचे वाला हिस्सा इस सीलिंग फैन के बैरिंग के होल में इस प्रकार से लगा लेंगे। ये 6 mm का हुक फास्टनर इस बैरिंग के होल में बड़े आसानी से इस प्रकार से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो नट दिख रहा है, इस नट को कसने के लिए हम 10-11 नंबर की चाबी ले लेंगे और नीचे से ये पार्ट घूमे ना, जिसके लिए इस प्रकार के स्पैनर से नीचे का पार्ट इस प्रकार से पकड़ लेंगे और इस नट को 10 नंबर की चाबी से कस लेंगे। इस फैन फास्टनर के इस नट को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, जिससे दोस्तों ये फैन फास्टनर बैरिंग में अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। अब हम ये टेक लेंगे। इस टेक को दोस्तों इस प्रकार से इस फैन फास्टनर के हुक में इस प्रकार से रख लेंगे। इस प्रकार से सेंटर में रखने के बाद हमको इस प्रकार के दो रिंच की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से दोस्तों एक रिंच का ये आगे वाला भाग इस प्रकार से हुक फास्टनर के इस हुक में फंसा लेंगे और इसी प्रकार इस रिंच का भी ये आगे वाला हिस्सा इस हुक फास्टनर के उसी हिस्से में फंसा लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से ये फंस जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों रिंचों में हल्का सा ताकत लगाएंगे, जिससे अपना इस सीलिंग फैन का बैरिंग बड़े आसानी से बाहर निकल आएगी। तो दोस्तों, इस दोनों रिंच को हम हल्का सा इस प्रकार से पुश करेंगे और आप देखेंगे कि ये सीलिंग फैन की बैरिंग बड़े आसानी से निकल आई है। कितना भी पुराना बैरिंग हो और कितना भी जंग लग गया हो या फिर पुराना हो गया हो, इस जुगाड़ से आप बड़े आसानी से बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी मेहनत के बड़े आसानी से सीलिंग फैन का ये बैरिंग इस 6 mm के फैन फास्टनर या हुक फास्टनर से बड़े आसानी से अपने घर में अपने हाथ से निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों, मात्र एक छोटे से 15 रुपए के जुगाड़ से आप घर बैठे बिना किसी ताकत और बिना किसी तोड़फोड़ के इस सीलिंग फैन के बैरिंग को बड़े आसानी से मात्र 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ज्ञानवर्धक लगा हो तो एक लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही अद्भुत और अनोखी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।